सच में क्या हम लोगों को लगता है कि यार हमको बहुत आगे जाना है, बहुत तरक्की करना है, सच में क्या ग्रो करना चाहते हैं, या फिर जिंदगी भर यार बस वही, हम लोगों ने हमेशा सोचा है कि यार ये चीज खरीद ले, वो चीज खरीद ले, बट हमेशा हम कहीं ना कहीं बजट का कॉन्स्टेंट होता है, कभी घर की फैमिली अलाउ नहीं करती, कभी कुछ कभी कुछ। बच्चे मुझे एक चीज बताइए, एक पेन खरीदना है आपको जिसकी कीमत 200 रुपए की, आपको बड़ा पसंद आया वो पेन, मुझे एक चीज बताइए, कब तक हम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कि वो 200 रुपए की पेन हमें खरीदनी है, पिताजी प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए। बच्चों ऐसा नहीं हो सकता ना यार, वी हैव टू अर्न, हमें इस लायक बनना है, इस काबिल बनना है कि 200 रुपए, क्या 2 लाख रुपए की भी पेन अगर हमें खरीदनी है तो हम खरीद सकते हैं। दुष्यंत सर, इसका राइट टाइम कब आता है, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है? बच्चों कैसे हो सकता है, मतलब आपके हाथ में सारी चीजें, किताबें आपके हाथ में है, पेन आपके हाथ में है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बच्चों, उम्र आपके हाथ में है। यू नो वॉट, अगर ये उम्र को हम लोगों ने सही तरीके से यूज नहीं किया, मेरा यकीन मानिए बच्चों, मेरा यकीन मानिए, आज से 5 साल के बाद आप काफी रिग्रेट करने वाले हैं यार, कि देर वॉज अ टाइम वेन आई कुड हैव बिल्ट माई करियर, बट मैंने उस समय यार कोशिश ही नहीं करी। मेरा करियर बन सकता था, मैं कुछ कर सकता था, चीजें मेरे हाथ में थी, पेरेंट्स का कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट था। बच्चों 5 साल के बाद मेरे कई स्टूडेंट हैं जो आज 24 साल के हैं, 25 साल के हैं, एंड दे रियली वांट टू स्टडी, बहुत मेहनत करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है पता है बच्चों आपको? सर हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, सर हमें पैसे कमाने का बोझ है, सर मैं अभी पढ़ने बैठता हूँ, मैं जब एग्जाम देने जाता हूँ तो वहां पे लोग देख के मुझे अच्छा रिएक्ट नहीं करते कि यार इसने अभी तक क्या किया। बच्चों मैं प्लीज, कहीं ना कहीं 23, 24, 25, 26, 27, 28 वाले बच्चे सीएस करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, बट ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए खास कर बना रहा हूँ जिनकी उम्र 18 साल की है, 19 साल की है, 20 साल की है, बट स्टिल वो अभी भी अपने व्हाट्सएप के स्टेटस अपडेट करने में लगे हुए हैं, वो अभी भी इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को, विराट कोहली की सक्सेस को चेरिश करने में लगे हुए हैं, मोदी और योगी को पब्लिसाइज करने में लगे हुए हैं, राहुल ममता बनर्जी की जीत का जश्न मनाने में लगे हुए। यार उनकी सक्सेस तो उनकी सक्सेस है ना, उन्होंने अपनी लाइफ में चीजें अचीव की हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट घर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार, दे डोंट इवन नो दैट वी एग्जिस्ट, एंड हम लोग बच्चों झगड़ा कर लेते हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड से दुश्मनी कर लेते हैं कि साले मोदी बेस्ट है, अरे राहुल गांधी बेस्ट है, ठीक है वो तो जोक है। तो बच्चों बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस एज में जब उम्र है मेरी करियर बनाने की, बच्चों आप में से बहुत सारे बच्चों के नंबर मेरे फोन में सेव है और मैं स्टेटस चेक करता हूँ आपके, यस, तो जब मैं स्टेटस चेक करता हूँ तो कोई उसमें एक लड़की ने तो एक बढ़िया सा गाना बनाया था, जिसे ढूंढता हूं मैं हर घड़ी, जिसे ढूंढती हूं मैं हर घड़ी, जो मिला मुझे कभी। मुझे ये स्टेटस एक लड़का ना, एक लड़के ने अपने फोन पे स्टेटस रखा था, क्या मेरे सपनों की रानी कब आएगी त्यों, फिर एक लड़की बढ़िया लिपस्टिक स्टिप लगा के। बच्चों प्लीज, आप बच्चों मैं कभी भी इन चीज़ों की बुराई नहीं करता बच्चों, बट ये जितने भी इंटरनेट पे ये बने हुए ना बच्चों, ये सब आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, और हम लोग क्या है, दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में भूल जाते हैं कि यार करिए। बच्चों माफ़ कीजिएगा मुझे, मैं ओल्ड स्कूल टीचर हूँ, मैं आज भी पुराने नीतियों और पुराने शिक्षकों के द्वारा बताए गए मापदंडों का पालन करता हूँ बच्चों। सो प्लीज़ कहीं ना कहीं ये एज में बच्चों, दिस इज बच्चों, ये व्हाट्सएप के स्टेटस हम बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। बच्चों मेरा मेरा सपना था बॉडी बनाने का, मुझे अच्छी बिल्ड चाहिए थी, लेकिन जब मैं स्टूडेंट था मैं 6,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये महीने के बॉडी बिल्डिंग में खर्च नहीं कर सकता था, आई कुड हैव नॉट बॉट दीज, मैं नहीं खरीद सकता था ये प्रोटीन, और इसलिए मैंने कभी बॉडी बिल्डिंग नहीं की। लेकिन आज भले मेरी एज 30 के ऊपर की है, बट मैं खुद के पैसे कमा रहा हूँ, तो बच्चों मैं बहुत खर्च करता हूँ, मैं ढेर सारे वे प्रोटीन खरीदता हूँ, मेरे पास पूरा स्टैक रखा हुआ है वे प्रोटीन्स का, देखिए मैं इन डब्बों के ऊपर ही मोबाइल रख के मैं, मेरा प्रोटीन का स्टैक है ये, अभी मैं फिलहाल 3 अलग अलग फ्लेवर के प्रोटीन यूज़ करता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे केसर काजू फ्लेवर है, दिस इज सम चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट क्रीम, दिस इज सम कॉफ़ी फ्लेवर। बच्चों प्लीज़ आप गलत मत समझिएगा, ये मत सोचिएगा फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि इतना खर्च करते हैं और ये सारी चीज़ें, बच्चों इट्स नथिंग, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं आपकी एज का था,
बच्चों मैं 10 रुपए का पेट्रोल डला के घूमता था, लेकिन उस एज में मेरी प्रायोरिटी ये थी, मेरी वरीयता ये थी कि मैं अपना करियर कैसे सेट करूं। लेकिन आज मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ये कहीं ना कहीं अपने करियर को सेकेंडरी प्रायोरिटी दे रहे हैं और वो घूम रहे हैं बच्चों दुनिया के उसमें कि कैसे हम स्टाइलिश बन जाएं, कैसे हम अच्छे दिखें। बच्चों जिंदगी पड़ी है यार, ये ऐसा हेयर स्टाइल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं रखा, बट मैं अभी रखता हूँ। ठीक है यार, मुझे अच्छा लगता है अपने शौक पूरे करना और मैं मेहनत करता हूँ बच्चों। आई वर्क फॉर 15 आवर्स अ डे, मैं 15 घंटे दिन में मेहनत करता हूँ। मैं 6 से 7 घंटे क्लास लेता हूँ, मैं 5 से 6 घंटे नोट्स की पढ़ाई करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, 1 घंटा मैं जिम करता हूँ। तो बच्चों मैं कहीं ना कहीं चीज़ें कर रहा हूँ बच्चों, और प्लीज़ मैं ही नहीं बच्चों, हर एक आदमी कर रहा है बच्चों। लेकिन आप प्लीज़ आप कुछ भी मत कीजिए, 15 से 20 मिनट की माइल्ड एक्सरसाइज की तो भी चलेगा, बट फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट बच्चों, ये चीज़ें जिंदगी में आप कभी भी कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज बिल्ड योर करियर, अपना करियर बहुत स्ट्रांग कीजिए बच्चों, बस फोकस करियर पे कीजिए बच्चों। आपको लगेगा कि दुष्यंत सर क्या बोलते हैं, बट बच्चों मुझे आपको चाबुक मारना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे आपको रेस जितवानी है। तो जो जॉकी होता है ना, वो शुरू में चाबुक मारता है घोड़े को। बच्चों हम सबको रेस जीतनी है बच्चों, हारना नहीं है बच्चों। ठीक है, आप अगर नींबू हो तो मैं उसे बहुत जोर से प्रेस करूंगा ताकि रस बाहर आए, उस नींबू का बेस्ट बाहर आए बच्चों। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।